व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो बात करूंगा आज सैमसंग गैलेक्सी A73 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से ए सीरीज में एक मिड रेंज लेवल का एक बेस्ट डिवाइस जो है ना दोस्तों, वो हो सकता है। इसके लीक्स और रूमर्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर रूमर्स और लीक्स निकलती हुई आ रही है कि किस तरीके के स्पेसिफिकेशन इसमें हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने उस टाइम पर एक ज़बरदस्त वीडियो बना के डाला था, उसमें ज़्यादातर लीक्स, प्राइस, लॉन्च, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं स्पेशली खास तौर से जो ना इसके डिजाइन के बारे में, रेंडर्स के बारे में, जो इसका फर्स्ट लुक निकल के सामने आया है। लेकिन ये जो फर्स्ट लुक है दोस्तों, ये अभी के लिए अनऑफिशियल फर्स्ट लुक है। तो इसलिए गाइस मैं ये बोल के रखता हूं आपको कि ये एकदम कंपनी की तरफ से रिवील नहीं हुआ हुआ है। लेकिन यहां पर दोस्तों ज्यादातर चांसेस है, 95 to 98% चांसेस है कि इसी डिजाइन के हिसाब से जो ना दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं इसके डिजाइन के बारे में। तो इसमें स्टार्ट करूंगा मैं कैमरा मॉड्यूल से। जी हाँ, इसमें जो है ना बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी A72 की तरह एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगल शेप में कैमरा मॉड्यूल हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पर क्वाड सेटअप जो है ना वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसमें हल्का सा जो है ना वो कैमरा बम्प मिलता है और LED फ्लैश भी जो है ना दोस्तों उसी कैमरा मॉड्यूल के अंदर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर गाइस मैं ऑल इन ऑल यही बोलूंगा कि इसका जो ये कैमरा मॉड्यूल है ये बिल्कुल डिट्टो अगर मैं बोलूंगा तो सैमसंग गैलेक्सी A72 की जैसा दिखता है। साथ ही में अगर इसके रेयर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें जो है ना बिल्कुल फ्लैट रेयर डिजाइन हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें जो एजेस है वो भी जो है ना कर्व्ड नहीं मिलते। एटलीस्ट अगर एजेस को भी कंपनी कर्व्ड कर देती तो डिजाइन में जो है ना थोड़ा और प्रीमियम फील आ सकता था। लेकिन यहां पर दोस्तों इमेज में देखते हुए ये पता लग रहा है कि इसका जो रेयर है वो पूरा ग्लास फिनिश के साथ में जो ना हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करूंगा दोस्तों अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो फ्रंट में इसमें पंच होल कैमरा देखने के लिए हमें मिल सकता है। मिडिल में हो सकता है इसमें पंच होल कैमरा जो देखने के लिए मिल जाए। वहीं पर इसका जो डिस्प्ले है वो भी बिल्कुल फ्लैट मिलता है। अब जो डिस्प्ले फ्लैट मिल रहा है ऑब्वियसली इसमें ज्यादा कुछ इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले जो है वो ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ कर्व्ड डिस्प्ले जो है वो फ्लैगशिप डिवाइसेस में आता है। यह मिड रेंज सेगमेंट का डिवाइस है तो इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है तो कोई इससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कर्व्ड रेयर मिलता तो वो जो है ना दोस्तों बहुत जबरदस्त बात हो जाती थी। एटलीस्ट एजेस तो इसके थोड़े कर्व्ड मिलने चाहिए थे। ये तो अगर दोस्तों कि ओवरऑल ये डिवाइस किस तरीके का हमें देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करूंगा कि क्या क्या चीजें जो है ना, क्या क्या ऑप्शन या क्या क्या बटन हमें इस डिवाइस पे देखने के लिए मिल सकते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में हम देखेंगे तो एक पावर बटन हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ में वॉल्यूम रॉकर जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में एक स्पीकर ग्रिल वहाँ पर सिचुएटेड है, टाइप सी पोर्ट हमें वहाँ पर मिलता है और साथ ही में हमें वहाँ पर सिम ट्रे मिलता है। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ हमें पता लगती है कि 3.5 mm जैक जो है ना वो सैमसंग गैलेक्सी A73 में नहीं मिल सकता है शायद, मतलब अब तक तो दोस्तों यही न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि उसकी जगह पर बॉटम में जो है ना वो हमें सिम ट्रे देखने के लिए मिल जा रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं ऑल इन ऑल यही बोलूंगा कि डिज़ाइन के हिसाब से तो फ़ोन अच्छा है, मतलब सही है। और यहाँ पर अगर 3.5 mm जैक दे देती कंपनी तो वो और ज़्यादा बात हो जाती थी। देखते हैं अब जब ऑफिशियल रेंडर्स निकल के आते हैं तो क्या वो सेम इसके जैसे ही होंगे या इससे कुछ अलग होंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों वन सेंटेंस में मैं सिर्फ यही चीज बोलूंगा कि ये जो डिजाइन है ये पूरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है, मतलब डिट्टो सैमसंग गैलेक्सी A72 के जैसा दोस्तों ये डिजाइन लगता है, सिर्फ अगर आप 3.5 mm जैक को निकाल दोगे तो। तो यहां पर गाइस कुछ इस तरीके का फर्स्ट लुक इस डिवाइस का निकल के आया था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी प्रॉपरली। अगर आप इसमें कुछ ऐसे चेंजेस लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स कॉलम में मुझे बता सकते हैं। अगर बात करूंगा दोस्तों मैं इसके दूसरे की फीचर्स के बारे में, यहां पर 6.7 inch का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले में देखने के लिए मिल सकता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट इसमें मिल सकता है। कैमरे के हिसाब से इसमें प्राइमरी लेंस 108MP का देखने के लिए मिल सकता है। बाकी के लेंसेज के बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। वहीं पर हार्डवेयर के हिसाब से ऑब्वियसली डिवाइस 5G होगा तो इसमें स्नैपड्रैगन का 750G 5G प्रोसेसर में देखने के मिल सकता है। और यहां पर 5000mAh की बैटरी में देखने के मिल सकती है जिसको 25W की फास्ट चार्जिंग से आप चार्ज कर सकते हो। तो इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन है दोस्तों जो मैंने सरसरी तौर पर आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको प्रॉपरली दोस्तों ये सारे फीचर्स को समझना है तो मैं यहां पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहां पर या तो शायद यहां पर आ जाएगा लिंक। आप जाकर आई बटन पर क्लिक करके मेरा वीडियो वो चेक कर लीजिए और वीडियो के एंड में भी जो है ना दोस्तों मैं इसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में दोस्तों मैंने सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, इनफैक्ट मैंने प्राइस और लॉन्च के बारे में भी इसमें जो है डिस्कस किया हूं, तो वो जाके जरूर से आप वीडियो चेक करना। तो इस बार का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उस पर ध्यान देने की। वैसे गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहां पर भी कभी कभार जो है वो
पोस्ट मैं अपने शेयर करता रहता हूँ YouTube से रिलेटेड या YouTube से हट के जो भी कुछ है, तो नहीं फॉलो किया तो फटाफट जाके चेक करो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में सबसे ज़रूरी है कि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारे चल के वीडियो के अपडेट्स जो भी है वो सब टाइमली बेसिस के ऊपर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।